ये चॉप भी गाइस बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बंदा है भाई। उसको पता नहीं क्या ही दिक्कत हुई, वो भाई इधर एक अजीबोगरीब भूत बंगले के अंदर चला गया है और मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लिटरली मैं भाई ये चॉप मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करता रहता है जब देखो तो। बाकी अभी इस वक्त जो टाइम है गाइस वो हो रहा है 1:04 और इतनी रात को मैं एक भूत बंगले में जाने वाला हूँ चॉप को ढूंढने के लिए। भाई मेरे को लिटरली में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि चॉप गया क्यों। एक्चुअली मैं लॉस सैंटोस के अंदर आजकल बहुत ज्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं और उसमें एक ये चैलेंज चल रहा है कि जो भी उस भूत बंगले के अंदर एक दिन तक सरवाइव करेगा और सुबह जिंदा निकलेगा उसको मिलने वाले हैं 1 करोड़ रुपए। और गाइज ये चैलेंज कल रात को शुरू हुआ था और आज सुबह चॉप निकलने वाला था, बट वो सुबह आया ही नहीं यार। मैं उसका वेट करता रह गया, फिर शाम हो गई, फिर अभी रात हो गई है और वो आया ही नहीं। और इसी वजह से गाइज मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है उसकी, और इसीलिए मैं उसको लेने के लिए आज उस भूत बंगले में जाने वाला हूँ। बाकी मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है गाइज। वैसे तुम लोग मेरा डर कम करना चाहते हो तो जाओ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना गाइज। बाकी आज है राखी तो तुम लोग मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और हाँ एक और चीज गाइज, रक्षाबंधन वाली वीडियो आ चुकी है हमारे मेन चैनल पर, तो तुम लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। बाकी तो चलते हैं आगे। और वो जो भूत बंगला है गाइज जिसके बारे में लॉस सैंटोस के अंदर चैलेंजेस चल रहे हैं, वो वाला भूत बंगला इधर ही है। अब वो है कौन सा ये ढूंढने वाली बात है। बाकी चलते हैं आगे की साइड और शायद से आगे जो वो बंगला दिख रहा है तुम लोगों को वही है वो, पता नहीं भाई मेरे को नहीं पता। ये चॉप पता नहीं किस तरीके से आया था, टैक्सी वैक्सी लेकर आया होगा वो। वेट 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 इधर, हाँ ये रहा जो सामने तुम लोगों को गाइस बंगला दिख रहा है, ये वही वाला बंगला है जिसके अंदर चैलेंज चल रहा है कि कोई भी अगर रात को जाता है और सुबह तक जिंदा निकलता है तो उसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। और गाइस चॉप पर कल रात को गया था, सुबह आया नहीं तो मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। फिलहाल लाइट तो जल रही है, टेंशन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। वैसे अंदर अगर लाइट नहीं हुई तो दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मैं अपने संग में टॉर्च भी लेकर आया हूँ। फिलहाल टॉर्च को रखते हैं अंदर और चलते हैं। डर लग रहा है यार मैं सच बता रहा हूँ। लाइट तो जल रही है, डरने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। लेट्स गो। अरे भाई मैं चप्पल वो, अरे यार इस चॉप के बच्चे को ढूंढने की जल्दबाजी में गाइस मैं चप्पल वप्पल भी नहीं पहन के आया यार, ना चप्पल पहने ना शूज पहने और ऊपर से हाफ चड्डी में आ गया यार। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलते हैं अभी चॉप को ढूंढने आए हैं। चप्पल या फैशन जरूरी नहीं है, अभी चॉप को ढूंढना जरूरी है। लेट्स गो। क्या ही खतरनाक हो सकता है इस बंगले के बारे में, पता नहीं भाई। अब आए हैं तो चॉप को ढूंढ कर ही जाएंगे। हेलो चॉप, आर यू हियर चॉप? नहीं भाई यहाँ तो नहीं। चॉप भाई, चॉप भाई, चॉप भाई कहाँ हो तुम? हेलो चॉप, अरे कहाँ? एक तो ये चॉप भाई लिटरली मैं परेशान करता रहता है। अरे 1 करोड़ रुपए जिए तो भाई कुछ और तरीके से कमा ले। नहीं चैलेंज कंप्लीट करना है, वो भी भूतों वाला चैलेंज। इधर तो नहीं है कहीं ये? नहीं। और ये दो दरवाजे क्यों है? इस दरवाजे के पीछे कुछ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है। या कुछ है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन दो दरवाजों की क्या ही जरूरत थी, आई डोंट नो। और इधर मोमबत्ती टंगी पड़ी है ये दीवार पे, हाँ मोमबत्ती। बाकी बहुत ज्यादा तबाही मची पड़ी है वैसे इस वाले बंगले पर गाइस। मैं पहले एक बार आया था बहुत पहले, लेकिन दिन में आया था तब यहाँ पर ऐसे कुछ खतरनाक वाले चैलेंजेस नहीं चल रहे थे, बट अब ये नए चैलेंजेस शुरू हो गए। और ये नीचे एक रास्ता जा रहा भाई, पता नहीं कैसा रास्ता ये, चलते हैं नीचे। ओ भाई खुफिया रास्ता है ये। ओके ओ पर्दा है, ओ कितना गंदा पर्दा है। अरे अटक गया मैं। हेलो भाई चॉप, चॉप अरे है क्या भाई तू इधर? हेलो चॉप भाई, चॉप पता नहीं गाइस इधर तो नहीं है। फिलहाल इधर एक और पर्दा है। अरे कैसे गंदे गंदे पर्दे रखे रह गए इधर। और ये क्या चीज़ है, होटल में क्या बनाया जा रहा है भाई यहाँ पे? पता नहीं गाइस क्या ही सीन है। फोड़ दिया मैंने ये। क्या था इसके अंदर, दूध पानी? एक्चुअली में क्या है भाई, लिटरली मैं नहीं बता रही है। ऊपर मकड़ी के जाले कितने हो रखे हैं यार। अरे चॉप भाई है तो बता दे वरना मैं चला जाऊंगा। अरे कहाँ है यार ये चॉप का बच्चा? चॉप 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 पता नहीं कहाँ है। इधर तो कुछ मिला नहीं मेरे को, ऊपर चलते हैं। ये क्या मोमोज वाले बर्तन रखे हैं, पता नहीं क्या ही है यार। और ये दीवार वीवार पे पेंट छूट गया, ऊपर मकड़ी के जाले भर भर के लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या है। बट जो भी हो चलते हैं यहाँ से हम लोग। और चॉप भाई हेलो है तो बता दे यार, मेरे को वैसे ही बहुत डर लग रहा है। है तो बता दे वरना मैं घर जा रहा हूँ वापस। हेलो तू है ना भाई? पता नहीं भाई। और ये सोफा कितना ज्यादा गंदा पड़ा है।
अरे यार थोड़े बढ़िया वाले सोफे लगाओ, भूतों वगैरह हो, ये क्या फोटो वोटो लगा रखी, पेंटिंग वेंटिंग। आगे चलते हैं गाइस, इधर एक और ऊपर मंजिल है शायद से, बाहर से जब मैंने देखा था। ये क्या है, खून? पता नहीं भाई, मेरे को डर लग रहा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ऊपर है चौप। कि ये क्या है, किचन? भाई किचन के अंदर ये क्या बनाया जा रहा है, ऑमलेट? शराब की बोतल? ये क्या मीट वीट बना रहे क्या? क्या सीन है यहाँ पर? अरे ऑमलेट बना रहे, नॉनवेज वगैरह बनाया जा रहा है। वैसे मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं, यहाँ से निकल लो भाई। एक सेकंड, नॉनवेज बनाया जा रहा है, भूत नॉनवेज खाते हैं? ऐसा कब से होने लग गया? भूत शराब भी पीते हैं? ये कब से होने लग गया? और एक सेकंड, पिज्जा? क्या सीन है ये? पता नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, कुछ ना कुछ तो पहेली है इस जगह के पीछे। अब आई डोंट नो क्या पहेली है, बाकी मैं तो चॉप को ढूंढने आया था, चॉप को ही ढूंढता, पहेली बाद में सुलझाएंगे। हेलो भाई तू है तो बता दे यार। चॉप, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? बाथरूम दिख गए यहाँ पर। ओ वेट, ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ पर एक और दरवाजा। कुछ है इस दरवाजे के पीछे? कुछ नहीं। इधर कुछ? छोड़ो यार, ऊपर चलते हैं फटाफट से। लेट्स गो, पंखा घूम रहा है। वो पंखे के अंदर लाइट लगी है, क्या ही टेक्नोलॉजी है यार इस भूत बंगले की, भूत स्मार्ट है। अंदर चलते हैं। भाई ये कौन पड़ा हुआ है? अच्छा गद्दा है। हेलो चॉप, चॉप भाई। अरे सब अफवाह यार, मैं कब से आ तो रखा हूँ इस भूत बंगले में, कोई तो मुझे भूत दिखानी है। लिटरली मैं भाई कोई भी नहीं है यहाँ पर। आगे चलते हैं, चॉप मिल जाए बस एक बार, फटाफट से निकल लूंगा यहाँ से मैं। भले ही डर लग रहा है मेरे को, लेकिन भूत नहीं है यहाँ पर। अंदर चलते हैं। हेलो भाई साहब, ये लोग कौन है? ओ तेरी, ये तो शायद से वही तीन लोग हैं ना यार जिन्होंने ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और सुबह तक ये लोग जिंदा नहीं निकले थे। मतलब ये लोग मर गए हैं? देखूं जरा मैं एक सेकंड, ये लोग मर गए हैं या बेहोश हुए हैं? मर गए हैं गाइस, ये सारे के सारे तो तीनों के तीनों ही यहाँ पर डेड हैं। और तुम लोग अगर इन लोगों को नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये जब चैलेंज स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे पहले ये वाला बंदा आया था, ये वाला सर्वाइव करने के लिए, बट ये सुबह बाहर नहीं निकला। तब इसके बाद लोगों को और कंफर्म हो गया कि भाई इस बंगले के अंदर सच में ही भूत है, जिसकी वजह से जो भी रात को जाता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। ये देखो गाइस, फिर उसके बाद ये बंदा आया, उसके बाद ये आया, और उसके बाद अपना चॉप आया था यार। फिर चॉप भी इधर कहीं पड़ा होना चाहिए, लेकिन चॉप तो नहीं है। इसका मतलब एक बात तो है, चॉप जिंदा है, बट वो है कहाँ? ओहो भाई साहब, वो अंदर चॉप है। ओ भाई साहब, मैं भाई साहब कल तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ओ भाई पहचान लिया मेरे को? मैं तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू रुक भाई यार, ये मेरे पीछे ना आ जाए। मैं तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू रुक बैठा, तू रुक। अरे कहाँ भागू मैं, ये चॉप का बच्चा मेरे पीछे आ रहा है, मैं तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे इधर बालकनी में, बालकनी में, बालकनी में। मैं तू रुक बे, कलुआ का बच्चा कहाँ भाग रहा है? इधर 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 आराम से। अरे काम करता हूँ ना मैं, नीचे कूद जाता हूँ। अरे यार इतना क्या सोचने वाली बात है, लेट्स गो। ये चॉप भाई आ जा, तुझे हो क्या गया है? मैं तू रुक, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, तू रुक। मैं तू रुक, तू रुक रुक। अबे यार ये कहाँ से पीछे ही आ गया बिल्कुल ही मेरे। मैं तू रुक जा बे कलुआ, तू आज मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। अरे 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 किधर जा? और ये मेरी बाइक, बाइक बाइक बाइक, मैं बाइक के पास जाएगा तू है, मैं बाइक के पास जाएगा, जा बाइक के पास। अबे छोड़ यार चॉप, तू पागल हो गया है? मैं तू बाइक के पास जाएगा, तू मेरे हाथों से बचेगा। अबे यार चॉप, तू पागल वागल हो गया क्या सच में? अबे छोड़ भाई, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तेरे में मैं गोली चला दूंगा। मैं तू मेरे पे गोली तानता है, तेरी ऐसी की तैसी। अबे अरे गाइस ये तो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। एक सेकंड, प्लान है मेरे पास, मेरे पास एक प्लान है, बेहतरीन प्लान है। मैं एक काम करता हूँ, मरने की एक्टिंग करता हूँ, यही करना ही पड़ेगा यार। ये चॉप का बच्चा छोड़ने के लिए राजी तो होने रहा है। चॉप तू मान जा, तेरे पे गोली चला दूंगा मैं। तू मेरे पे गोली चलाएगा, द ग्रेट घोस्ट चॉप पे चलाएगा। घोस्ट चॉप मतलब? तेरे को अभी बताता हूँ, तेरे को तो आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला मैं किसी भी कीमत पे, नोच नाच के खत्म कर डालूंगा। आई थिंक गाइस ये चॉप का बच्चा इस तरीके से तो मानने नहीं वाला, मरने की एक्टिंग करेगी। मैं तो मर गया भाई साहब कलुए। ये हुई ना बात, दबोच डाला मैंने से, एक और शिकार खत्म। अभी मजा आया ना भाई। ये क्या चौप अजीब अजीब सी बातें कर रहा है गाइज, एक शिकार खत्म, एक शिकार खत्म। अब इसी तरीके से जितने भी लोग चैलेंज में हिस्सा लेंगे सबको मैं खत्म कर डालूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हाँ आइडिया, भागो फटाफट से। अरे ये क्या हो रहा है मुझे, तू जिंदा है क्या अभी? एक सेकेंड, भागो जल्दी जल्दी, मैं रुक जा, रुक मैं रुक, ओ रुक मैं रुक। ओ भागो 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 भागो,
थैंक गॉड फाइनली भाई, कुत्तों की तरह काटा इसने मुझे, मतलब कुत्ता ही है एक्चुअली में तो ये, बट बहुत ही बुरी तरीके से काटा यार। मैं कहाँ इसको बचाने के लिए आया था गाइज, और ये तो मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ गया। भाई निकल लो यहाँ से, निकल लो फटाफट से। ओ भाई बच गया मैं आज, बाल बाल किस्मत अच्छी थी, वरना ये खत्म ही कर डालता मेरे को। वो तो एंड मूवमेंट पे गाइज सही प्लान आ गया मेरे दिमाग में कि भाई मरने की इसके सामने एक्टिंग कर दो और ये फिर शांत हो जाएगा और फिर जैसी मौका मिले निकल लो यहाँ से। और फाइनली गाइज मैंने यही किया और बच गया। बट जो भी कहो गाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर में इसे हो क्या गया है, इतना अच्छा खासा अपना चॉप था बट ये तो पागल से कैसे बिहेव कर रहा है, और ये बॉल कैसी है लिटरली। मैं गाइज मैंने उसके ऊपर लिटरली में 2-3 गोलियां भी चलाई यार, बट गोलियों का कुछ असर ही नहीं हुआ उस पे। पता नहीं क्या सीन है यार, चॉप को हो क्या गया है। और वो कह रहा था कि इसको भी खत्म कर डाला बाकियों की तरह, मतलब वो जो 3 लोग मरे थे इन सबको चॉप ने मारा है। पता नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल तो, इसने बहुत ही बुरी तरीके से मेरे को काटा है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इंजेक्शन लगवाने के लिए, सच में यही करना ही पड़ेगा यार। मेरे को बहुत डर लगता है कुत्तों से वैसे ही, एक तो बेफालतू में मैं चॉप को पालता घूम रहा हूँ। मेरे को लगा नहीं था कि चॉप कभी काटेगा, बट देखो गाइस चॉप भी नॉर्मल डॉग इसकी तरह निकला, काट दिया भाई इसने भी मेरे को। अब इंजेक्शन ठुकवाने पड़ेंगे भाई 3-4, तभी जाकर कुत्तों से बचूंगा मैं, वरना बहुत ही तगड़ी वाली बीमारी हो जाएगी। फटाफट से काम करते हैं गाइस, लॉस सैंटोस निकलते हैं। सुबह तक तो लॉस सैंटोस पहुंच ही जाऊंगा और फिर वहां पर फिर मैं जाकर डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, फिर उसके बाद सोचना है कि इस चॉप का आखिर करना क्या है। पता नहीं यार क्या ही सीन हो रखा है, कैसे ये चॉप का बच्चा ठीक होगा। अभी चॉप को छोड़ो भाई, पहले मैं अपना इलाज करवा लूं, पहले मैं तो बचूं फिर बाद में चॉप को बचाऊंगा मैं। अभी निकलते हैं गाइस सीधे लॉस सैंटोस की तरफ। ऐसे जो टाइम है इस वक्त वो हो रहा है 2:05, ओहो 2:05 यहाँ पर 5 मिनट हो चुका, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। और यहाँ पर जो अपनी क्वाड बाइक है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहा हूँ मैं ऐसे ही नॉर्मली आया था कि चॉप भाई अंदर या तो सो गया होगा या बेहोश हो गया होगा डर वर के भूत वगैरह से, और कुछ नहीं हुआ होगा। बट यहाँ पर जो अलग ही सीन चालू है भाई, पर मैंने उसकी गोलियां भी मारी कुछ हुआ भी नहीं उसके, पता नहीं क्या सीन है। जो भी हो लॉस सैंटोस बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। वेलकम टू द लॉस सैंटोस गाइस, सुबह हो चुकी है और देखो भाई रात के 2 बजे एक भी गाड़ियां नहीं नजर आ रही थी, बट अब देखो गाड़ी भर भर के चल रही है यहाँ पर। बाकी अपने सबसे नजदीकी हॉस्पिटल जाता हूँ मैं। यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ पर है, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल सामने है तो, बट वहाँ पर टाइम लगाते थे डॉक्टर्स, वैसे भी वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। किसी दूसरे हॉस्पिटल जाता हूँ, देखता हूँ मैं। फाइनली पहुंच गया यार हॉस्पिटल के पास, थैंक्स टू गूगल मैप्स जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। अरे गूगल मैप पे तो यहाँ पर हॉस्पिटल दिखा रहा था, ये फायर स्टेशन कहाँ से आ गया। अच्छा आगे है यार हॉस्पिटल, मैं कहाँ फायर स्टेशन पे रुक रहा हूँ, ये जरा सेंट फायर के रूपए पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसे, फायर्स पढ़ू या फैक्रे पढ़ू, जो भी है गाइज 4 East लॉस सैंटोस हॉस्पिटल है ये। और अभी चलो, ओ वो उधर है काफी सारे डॉक्टर्स, हेलो डॉक्टर्स इलाज कर दो फटाफट से मेरा। यहाँ पर सारा लिखा पड़ा है, गम क्लिनिक, ऑन्कोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, रूमोलॉजी और पता नहीं क्या क्या है, एनेस्थीसिया और वगैरह। अबे भाई इसमें मेरा कहाँ है, मुझे क्या करवाना है एक्चुअली में, मुझे कुत्ते ने काटा है भाई, कोई है इधर जो कुत्ते के काटने के इलाज करता हो। हेलो इतने सारे भरखे हैं इधर, थोड़ा लिख देते कुत्ते के काटने का इलाज। हेलो डॉक्टर्स डॉगी ने काटा मेरे को, डॉगी ने काटा है तो हम क्या करें। अरे मुझे पता है इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, डॉगी ने काटा है तो मैं इंजेक्शन नहीं देता। तो ये तो बता दो कौन देता है। वो मुझे नहीं पता, मेरे को एक जरूरी काम याद आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, हेलो हेलो बताओ क्या हो गया। वो डॉगी ने काटा है मेरे को, कुत्ते ने इंजेक्शन लगवाने थे। अच्छा ठीक है रुक जाओ 1 घंटा वेट करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल का गार्ड है वो अभी तक चाबी लेकर नहीं आया है। कहाँ की चाबी? हॉस्पिटल के मेन गेट की। अरे यार कैसे हॉस्पिटल हमारे लॉस सैंटोस में यार, सच में दिमाग खराब कर रहे हैं, ये पूरा हॉस्पिटल एक ही है। हाँ ये पूरा हॉस्पिटल एक ही है यार। अरे कोई तो इलाज कर दो, कब आएगा वो गार्ड? पता नहीं यार, वो हमेशा तो जल्दी आ जाता था, आज लेट हो गया। अरे मेरी किस्मत कितनी खराब है यार, जिस दिन मेरे को कुत्ते ने काटा उसी दिन इस गार्ड के बच्चे को लेट आना था। कब तक आएगा वो? वो तो पता नहीं, आ तो जाता था बहुत जल्दी, आज ही लेट हो गया। 1 घंटे कह तो रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर शायद आ जाए। अरे यार 1 घंटा लेगा ये,
और मेरे को कुत्ते ने काटा, बीमारी फैल ना जाए। फिलहाल तो गाइस तुम लोग आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे गाइस चॉप को बचाने का। और बाकी तो पहले मैं अपने इंजेक्शन लगवा लूं, उसके बाद ही चॉप को बचाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ सुबह किसी दिन जाकर ट्राई करते हैं। बाकी हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, और अगर तुम लोगों ने मेन चैनल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। और हाँ गाइस लाइक जरूर कर देना।